सॉरी, मुझे लगा कि ये क्या तुम भी हिंसा का पालन करते हो बेटा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता ऑफिशियल 812। और मैं हूँ अंकिता और ये है मेरा बेटा सुवी। ये देखो भागा भागा। तो अभी देखो हम दोनों तैयार हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं कठपुतली का डांस देखने। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी चल रही है ना, देख लो ये सुवी। इसलिए यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं उन्होंने डिसाइड किया था कि बच्चों के लिए ना कुछ कठपुतली डांस रखा जाए, जो अवेयरनेस भी जिससे फैलेगा और साथ में इंटरटेनिंग भी होगा। क्योंकि ऐसा कुछ बताओ किसी बच्चे को या फिर किसी बड़े किसी को भी ऐसे समझाओ तो उतने अच्छे से समझ नहीं आते या फिर चीज़ें भूल जाते हैं, समझते हैं तो। एक मिनट बेटा, तो क्या होता है कि अगर आप उसको नाटक के थ्रू या किसी ड्रामेटिक फॉर्म में दिखाते हैं ना, क्या होता है कि वो हमारे मेमोरी में एकदम अच्छे अंदर से बैठ जाता है। तो बस उनका वही पर्पस है करने का। और देखते हैं, अभी मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी कि वो कैसे मतलब क्या क्या कठपुतली का डांस करा रहे हैं, क्या क्या बताया उन्होंने, मतलब छोटे छोटे मैं क्लिप्स आपको दिखाऊंगी। मैं इसलिए मैं ना इसको लेके जा रही हूँ और अभी तक ये सोया नहीं है। 12:30 भी हो गया, 12 बजे से स्टार्ट है, इसलिए मैं पहले तैयार हो गई। या कोई भरोसा नहीं है, टाइम कितना भी ले लेता है। तो बेटा ऐसा मत करो ना। तो अभी बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे और वहां जाके मैं आपको दिखाऊंगी कठपुतली का डांस कि किस तरह का है। एक्चुअली ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा। इसके पहले मैंने टीवी में देखा है, वीडियोज ऐसे देखे हैं कठपुतली का करवाते हुए डांस का, लेकिन रियल में मैंने कभी नहीं देखा है अभी तक। और सुवी इतना छोटा है, ये 2 साल का, और ये पहली बार 2 साल की उम्र में देख लेगा कठपुतली का डांस। सोचो, एक मैं हूँ जो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और अब जाके पहली बार देखूंगी। मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। भले ही ये बच्चों के लिए अरेंज किया गया है, बट मेरा भी बहुत ज्यादा मन है देखने का। आखिर वो लोग करते कैसे, कराते क्या और क्या क्या होगा देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सब कैसे हो? शूज पहनोगे ना अभी? चलो ला पहना दे। हाँ बेटा, मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड है कठपुतली का डांस देखने के लिए। तो अब हम लोग बस रेडी तो हो चुके हैं, इसको शूज पहना देती हूँ और मैं भी पहन लूंगी और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। क्या पहना देना, रुको बेटा, अच्छे से मम्मा को पकड़ो। मैंने पहना दिया इसको, अब मैं ताला चाबी ले लेती हूँ और फिर हम दोनों निकलते हैं। की ले ली बेटा? चलो, ये बाबू का मैं बॉटल पानी भी लेके जाती हूँ, नहीं तो उसको पहुंचते ही ना बोलेगा कि प्यास लग गई, प्यास लग गई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दरवाजा लगा रहे हो? देखना बेबी के पॉकेट में नहीं आ पाएगा बेटा। क्या कर रहे हो तुम? मम्मा पकड़ेगी, मम्मा दे दो। हाँ चलो, अब चले, चलो आ जाओ। अब तो अब हम लोग ना उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे होने वाले, और आप देख सकते हो कि कोई भी नहीं आया। हम लोग बिफोर टाइम ही पहुंच गए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा पहले पहुंच गए थे, लेकिन एक दो बच्चे फिर बाद में आए थे हमारे। और फिर ये देखो फाइनली ना ये लोग आ गए जो अभी कठपुतली का डांस करवाएंगे। ये लोग ना अपना सेटअप बना रहे थे जो भी ये एक्टिविटी दिखाने वाले, और चेयर टेबल था ना वो सब हटा दिया। और जो आपको फ़ैन दिख रहा है ना ऊपर, जो वॉल फ़ैन लगा है, वो इतना ज़्यादा शोर कर रहा था ना कि कुछ भी क्लियर सुनाई ही नहीं दे रहा था। तो इस वजह से ना मैंने ये साउंड को म्यूट कर दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी बोल भी रही थी ना, यहाँ पे जो एक्टिविटी भी है ना आप देखोगे कि उसका बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। मतलब सुनाई दे रहा था, बट हाँ बहुत थोड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा था। अच्छा था, बहुत ज़्यादा लंबा ये प्रोग्राम नहीं था, 10-15 मिनट का था, बट सही था। फिर वो लोग ना सारा बैनर ऐसे लगा रहे थे, मतलब जिस कंपनी के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो इसका मैंने इसलिए शूट किया ना कि जिससे मैं दिखा सकूँ कि मतलब ये लोग कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, कैसे वो दिखा रहे थे। तो बेसिकली ये कठपुतली का डांस नहीं था, ये था पपेट शो, जो हाथ में लगा कैसे बोलते हैं ना वो वाला शो था। फिर यहाँ पे देखो मैं और सुवीना ऐसे चेयर पे बैठे थे। पहले हम लोग ना सबसे पीछे वाले चेयर पे बैठे, फिर हमें लगा कि शायद वहाँ से ना कुछ सुनाई नहीं देगा, दिखेगा भी नहीं क्लियर, और ऊपर से फ़ैन का साउंड तो इतना ज़्यादा था कि यार मतलब लोग आपस में बात भी कर रहे थे, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा था। सारा सेटअप तैयार करने के बाद ना फिर ये जो दिख रहे हैं ना खड़े, तो वो कुछ कुछ बच्चे को बताते हैं, तो फिर बच्चों को बोलते हैं ऐसे तालियां बजाने के लिए, तो वो बच्चे तालियां भी बजाते हैं। फिर शो स्टार्ट होता है। दास करमचंद गांधी था, उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। बापू अहिंसा के पुजारी थे। क्या तुम अहिंसा का पालन करते हो बेटा? करता तो हूँ,
पर कभी कभी मेरी स्कूल में वरुण से लड़ाई हो जाती है। वो हमेशा मेरी डेस्क पर बैठ जाता है। वो तुम्हारी डेस्क पर बैठ जाता है तो तुम कहीं और बैठो, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे खुद अपनी डेस्क पर बैठने को कहो तो एक दिन वो खुद महसूस करेगा कि उसे तुम्हारी नहीं अपनी डेस्क पर बैठना चाहिए। क्या सच में ऐसा हो जाएगा बाबू? बिल्कुल बेटा नहीं, थोड़ा समय जरूर लग सकता है पर उसे इस बात का एहसास जरूर होगा। बस प्रोग्राम खत्म हो गया और हम दोनों वहां से निकल रहे हैं। इधर बेटा, इधर चले। आवाज आ रही ना, वो आंटी अपना दरवाजा बंद कर रही है इसलिए। चलो घर चले हम। वी आर अबाउट टू रीच टू होम। हाँ फाइनली हमने देख लिया अपना शो। डैडी शाम को आएंगे बेटा। इतनी गर्मी थी भाई, बहुत ज़्या पसीने से हम माँ बेटे या इवन सारे लोग परेशान हो गए। हाँ खतरनाक वाली गर्मी है। वो तो अच्छा है थोड़ा बाहर का वेदर सही है। हॉल में बिल्कुल एसी नहीं है, पंखे की आवाज़ इतनी शोर हो रही थी ना क्या ही बताऊँ। और ये जो मुझे लगा कठपुतली का होने वाला है बट ये पपेट शो था। सॉरी मुझे लगा कि ये कठपुतली का है, मैं भी एक्साइटेड थी बट मैंने पपेट शो भी कभी नहीं देखा तो चलो मेरे लिए भी ठीक था, मतलब अच्छा लगा मुझे। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो कठपुतली का हो। तो मेरा बच्चा भी बोल रहा था कि मम्मा डांस नहीं हुआ, मुझे लगा डांस होगा। तो इसने अभी हो गया है 1:15 और मैं जा रही हूँ उसको फटाफट सुलाने क्योंकि ये बिल्कुल भी सोया नहीं। कहाँ गया बेटा? चलो सोने, चलो आ जाओ। क्या? हाँ वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो चलो वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ अगर आपको कहीं पे लगे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।